ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें, सीधे आपको लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ तबादलों के बाद सभी अफसरों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे हैं। सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी जी, महानिदेशक ओपाम सीएल वेंकटेश्वर लू जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौ चयनित उप जिलाधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्यगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सबको देश के सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक निष्पक्ष पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के भी आदेश देने पड़े थे। और उसमें बहुत सारी जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। ये वास्तव में प्रदेश की युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था, बल्कि उन्हें कुंठित करने के कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। पिछले चार सवा चार वर्ष के दौरान हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में शासकीय नौकरियों को पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित करने के लिए आयोग और बोर्डों के माध्यम से जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी, इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में